हाई कोर्डर्स एंड वेलकम टू दम्प्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर रहे हैं और बाद में जाकर इन्हीं कॉन्सेप्ट को कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई करेंगे अब आज है हमारा चैप्टर सिक्स जिसके अंदर हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है डॉम इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं किस काम आता है किस तरीके से जनरेट होता है सारी की सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे और इसके साथ साथ इसके अलावा आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना हो तो हमारे सारे, की सारे के सारे टॉपिक्स इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है तो हम किसी भी टॉपिक को जाके एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो स्लाइड नोट्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर सिक्स के साथ डॉम के बारे में बात करने से पहले अपने कुछ कुछ बेसिक्स को हम अच्छे से क्लियर करने वाले सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द थ्री मस्किटियर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट थ्री मस्केटियर्स इनको हम कह सकते हैं इनको हम अपनी पिक्चर का हीरो कह सकते हैं इनको हम अपने अमर अकबर एंथनी वो होते हैं हमारे एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट जनरली हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने की जो शुरुआत होती है वेब डेवलपमेंट सीखने की शुरुआत होती है वो इन्हीं तीन टेक्नोलॉजीज के साथ होती है अब ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं मिलकर किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को बनाती हैं जानते हैं कैसे एच टी एम एल का काम होता है एच टी एम एल इज हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल का काम होता है कि ये हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देती है कि किस तरीके का कॉन्टेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर आना चाहिए क्या कंटेंट आना चाहिए कहां पे हेडिंग होनी चाहिए कहां पे बटन होना चाहिए कहां पे पैराग्राफ होना चाहिए दूसरा होती है सीएसएस सीएसएस के कोड का, का काम होता है हमारी वेबसाइट को स्टाइल देना यानी बैकग्राउंड का कलर क्या होगा बटन्स का कलर क्या होगा टेक्स्ट का कलर क्या होगा कौन सी चीज क्लिक करने पर कुछ अच्छा सा इफेक्ट अगर हमें शो करना है मूव करना है एलिमेंट्स को तो उस तरीके की चीजें और जावा का काम होता है फाइनली हमारे वेब पेज के ऊपर लॉजिक को एड करना यानी बटन के क्लिक करने से हमारे पेज के ऊपर क्या

उनको हमें जोड़ना पड़ेगा कि किसी एक बटन को क्लिक करने से हमारा फैन भी चलना चाहिए दूसरे बटन को क्लिक करने से हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए किसी को बटन को क्लिक करने से हमारा फ्रिज ऑन होना चाहिए तो इस तरीके का जो लॉजिकल कनेक्शन है जो एक्चुअली काम होता है वो हमारे लिए करता है हमारा

इतना एडवांस में नहीं करने वाले उन्हें क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके अपना के तो अगर आपको उनको बाकी हम कोड करते रहेंगे उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आएगी अगर हमने नहीं भी पढ़ा क्योंकि मोस्टली चीजें हमारे लिए बेसिक होने वाली अगर आपको JavaScript समझ में आ रहा है तो एच डीएल सी एस एस जन जावस्कृत से आसान ही होता है अब नेक्स्ट हम बात करने वाले अपने कुछ बेसिक स्टार्टर कोड के बारे में यानी हम जितना भी डॉम मेनिपुलेशन पढ़ेंगे डॉम के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एच टी एम एल सी एस एस

अब जब भी हमारे पास एच का इस तरीके का बेसिक कोड जनरेट होता है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊंगी हमारे पास एच टैग्स के अंदर पूरा का पूरा एच कोड आता है तो ये हमारा ओपनिंग एच टैग हो गया ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया ये डॉक टाइप क्या है ये आपको पता चल जाएगा अगर आप अपना एच का वन शॉट देख के आओगे तो बाकी आप इसको जनरली सर्च भी कर सकते हो एंड ये जो हमारा एच है इसके अंदर हमने ये रिटन समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज इज इक्वल टू ईन इसका मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी प्राइमरी हमारा कोड लिखने के लिए बाकी इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं एट्रीब्यूट्स मतलब टैग्स के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एच टैग के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं एक होता है हेड एक होता है बॉडी जितनी भी चीजें हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाई देती हैं जैसे कोई पैराग्राफ हो गया हेडिंग हो गई बटन हो गया फॉर्म हो गया वो सारा का सारा बॉडी में आता है बॉडी यानी कंटेंट तो जितने भी हमारे कंटेंट वाले टैग्स होंगे ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं इन्हें हम टैग्स कहते हैं टैग्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस तरीके कॉन्टेंट शो करना चाहते हैं तो बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा कॉन्टेंट आता है और ये है हमारा हेड टैग हेड टैग के अंदर जनरली हम अपनी मेटा इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली कि हमारी जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या होने वाला है या अगर हमें सी फाइल को लिंक करना है तो उसको किस

एंड हम जा सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर अपनी इंडेक्स और एस टी एम एल पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं वो हमारे ब्राउजर में हमारे लिए खुल जाएगी ब्राउजर में आप नोटिस करेंगे रिफ्रेश करके कि हमारे लिए जो हम टाइटल लिखते हैं वो टॉप ऑफ द स्क्रीन पर दिखकर आता है हमारे टैब में टॉप पे आता है जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है पर इसे अगर हम कर देंगे लेट्स मेक इट अपना कॉलेज या जे एस विद अपना कॉलेज सेव रिफ्रेश तो ये क्या आ गया जेएस विद अपना कॉलेज हमारे पास लिख कर आ गया तो ये होता है एच के अंदर अब अगर हम मुझे बॉडी के अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हम काफी बेसिक टैग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं हमारे पास एक एच टैग होता है इस तरीके से ये ओपनिंग टैग होता है ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है क्लोजिंग टैग में हमेशा क्या आता है एंगुलर ब्रैकेट्स तो आते ही हैं बस साथ में एक स्लैश आ जाता है हमारे टैग के नाम से पहले तो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स ये छह हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं इसके अंदर अगर मैंने कुछ लिखा लेट सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा हेडिंग टैग्स के बीच में इन्फॉर्मेशन सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या आ गई मेरे लिए मेरी स्क्रीन के ऊपर एक हेडिंग प्रिंट होके आ जाएगी इस हेडिंग को हम ये भी लिख सकते हैं डॉम डेमो बाय अपना कॉलेज इस तरीके से मैंने कोई हेडिंग लिखी रिफ्रेश किया तो ये मेरी पूरी की पूरी हेडिंग मेरे पास आ गई साथ के साथ हम चाहें तो कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं दिस इज लेट्स लर्न अबाउट डॉम कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल सेव रिफ्रेश तो ये हमारे पास हमारा एक पैराग्राफ प्रिंट होकर आ गया हम चाहें तो कोई और हेडिंग भी बना सकते हैं लेट्स क्रिएट एन एच फोर हेडिंग टॉपिक वन इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टर कोड सेव रिफ्रेश तो ये हमारा टॉपिक वन आ गया स्टार्टर कोड आ गया इस तरीके से चीजें आ गई हम चाहे तो एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं तो हम एक बटन बना सकते हैं दिस बटन से क्लिक मी क्लिक मी लिखा हुआ है सिंपली बटन के ऊपर एंड ये हमने लिख दिया क्लिक मी अब ये जो टैग्स हैं ये ऐसा नहीं है मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी टैग बना रही हूं आप चाहें तो अपनी मन मर्जी से भी हम टैग्स बना सकते हैं पर ये जो टैग्स हैं ऑलरेडी एच टी एम एल के अंदर डिफाइंड होते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग्स थे जिनको मैंने यूज किया सो दिस इज अफ हाउ एच टी एम एल वर्क लाइक एच टी एम एल के अंदर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो हमारे कोड के अंदर हमारे पास आके रिप्रेजेंट हो जाती है अब बात करते हैं या इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर हम अपना स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं जब भी हम स्टाइल की बात करते हैं स्टाइल इंक्लूड्स थिंग्स लाइक कलर बैकग्राउंड कलर फॉन्ट साइज हाइट वेट इस तरीके की चीजें स्टाइल डॉट सी के अंदर आ जाते हैं एंड यहां पर लेट सपोज हम अपनी जो एच वन हेडिंग है उसे देना चाहते हैं एक कलर एंड इसे हम कलर देना चाहते हैं ब्लू के इक्वल तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एच फिर अपने करली ब्रेसेस और उसके बाद हम लिख सकते हैं कलर प्रॉपर्टी होती है कलर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम चाहे तो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं फैमिली चेंज कर सकते हैं फॉन्ट वेट यानी कितना बोल्ड कितना कम बोल्ड हमें दिखाना है डिस्प्ले इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन इफ आई डू इट एज लाइन थ्रू मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग तो ये तो हो गया कि हमने कुछ कुछ स्टाइलिंग को ऐड कर दिया इसे सेव कर लेते हैं पर जब हम रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सी एस एस फाइल अभी इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से जुड़ी नहीं है अगर मुझे एक सी एस एस फाइल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से जोड़ना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं अपना स्टाइल टैग तो स्टाइल का टैग का काम होता है टू कनेक्ट एच टी एम एल विद तो अपने एच वन हेडिंग को स्टाइल देने के लिए हम लिख सकते हैं एच वन और इस तरीके से हम ब्लॉक बना लेंगे एंड उसके बाद हम कोई भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें अपने कलर को डिफाइन करना है तो कलर को हम दे सकते हैं अपना रेड कलर या फिर इसे वीएस कोड हमें अच्छे अच्छे सजेशन भी देता है हम इसे दे सकते हैं अपना ब्लू कलर तो इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं सेव कर लेंगे अभी सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो एज सच हमारे कोड के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि अभी तक इस स्टाइल डॉट सी एस एस को हमने अपने इंडेक्स डॉट एस टी एम एस से तो अटैच ही नहीं किया अटैच करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है अपने स्टाइल टैग को स्टाइल टैग क्या होता है स्टाइल टैग इज द टैग दैट इज यूज टू कनेक्ट एच टी एम एल विद एस स्टाइल टैग को जनरली हम अपने हेड के अंदर लिखते हैं तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल टैग को लिख सकते हैं और चाहे तो ये जो स्टाइलिंग है डायरेक्टली हम अपने स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरीके से हम चाहें तो अपनी स्टाइलिंग को यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो ये हेडिंग क्या हो गई ये हेडिंग ब्लू कलर के अंदर आ गई अब हम चाहते हैं इसके ऊपर और स्टाइलिंग ऐड करना जैसे आई कैन ऐड अ टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफ लाइन थ्रू इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है तो क्या होगा एक लाइन आ जाएगी इसके ऊपर तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं हम इसे चाहें तो एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं वी एस कोड काफ़ी सारे सजेशंस भी देगा आपको कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बैकग्राउंड कलर में वी कैन लेट सपोज गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ येलो बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड कलर येलो एंड ऊपर हमारे पास ब्लू कलर आ गया मैं नहीं कह रही है बहुत अच्छी स्टाइलिंग है बट इस तरीके से स्टाइलिंग दी जा सकती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टाइलिंग के अंदर हम फॉन्ट रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली फॉन्ट वेट फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट डिस्प्ले हम टेक्स्ट रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट अलाइन ट्रांसफॉर्म शेडो बैकग्राउंड से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं तो ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीका स्टाइलिंग देने का पर हम इस तरीके को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके से क्या होता है एच के अंदर ही बहुत सारी आप स्टाइलिंग लिख दोगे ना तो आपकी एच फाइल बड़ी हो जाएगी एंड एक पॉइंट के बाद चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं तो हम कोशिश करते हैं इनफैक्ट कोशिश क्या करते हैं अच्छी डेवलपमेंट प्रैक्टिस यही है एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल में लिखो सीएसएस का कोड सीएसएस फाइल में लिखो जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखो तो ये जो कोड है इसे यहां से हटाकर हम यहीं पर लिख रहे होते हैं दिस इज आर बेसिक कोड इसको सेव कर लेंगे रिफ्रेश करेंगे तो वो दोबारा हट गया क्यों क्योंकि अभी स्टाइल डॉट सी एस एस को तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया स्टाइल डॉट सीएसएस को कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं लिंक आरियल रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट यानी हम अपना एक लिंक कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ स्टाइल शीट के साथ और एच रफ इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास जब टैग्स के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे हमारा लिंक टैग हो गया इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूट देते हैं एट्रीब्यूट्स यानी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग तो रिलेशन क्या है हम किसको जोड़ना चाहते हैं स्टाइल शीट को जोड़ना चाहते हैं सीएसएस स्टाइल शीट है कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स एच क्या है मतलब लिंक कहाँ है आपकी स्टाइल शीट का स्टाइल डॉट सी सेव कर लिया रिफ्रेश कर लिया तो दोबारा से अब स्टाइल हमारा अप्लाई होने लग गया अब चाहे तो स्टाइल डॉट सी के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जैसे मेरा मन किया दैट अपनी पूरी की पूरी बॉडी के लिए यानी ये जो पूरा का पूरा बॉडी टैग है इसके लिए आई वॉन्ट टू मेक द बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर टू बी इक्वल टू पिंक सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या हुआ पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर आई हैव इट एज पिंक तो सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं अगर बटन को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है लेट सपोज आई गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू सेफ रिफ्रेश तो ब्लू कलर का हो गया इसे टेक्स्ट कलर हम वाइट दे सकते हैं तो इसे टेक्स्ट कलर वाइट दे दिया रिफ्रेश किया तो ये वाइट हो गया तो इस तरीके से बेसिक बेसिक जो सीएसएस है उसे हम लिख सकते हैं अभी मैं आपको कलर एंड बैकग्राउंड कलर के ज्यादा एग्जाम्पल्स दे रही हूँ सीएसएस के अंदर बिकॉज इट इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड की कलर और बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब होता है पर आपको और ज्यादा डिटेल में सीएसएस को पढ़ना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ना है बाकी सारी चीजें पढ़नी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए जाके हम अपना वन शॉट रेफर कर सकते हैं वन शॉट रेफर कर सकते हैं या फिर उस वन शॉट के हम नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं तो ये तो हो गई हमारी बेसिक स्टाइलिंग एंड इस तरीके से हम स्टाइलिंग एड कर सकते हैं तो हमने अभी तक क्या किया एस को सी के साथ जोड़ा अब हम चाहें तो दोनों को जावा के साथ भी जोड़ सकते हैं तो बेसिकली हम एस को जावा के साथ जोड़ने के लिए अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं और स्क्रिप्ट टैग को जनरली लिखा जाता है बॉडी फिनिश होने से बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट पहले हम चाहें तो उससे पहले भी लिख सकते हैं हम चाहे तो हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं बट जनरली इट इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू राइट इट जस्ट बिफोर द एंडिंग बॉडी टैग यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखते हैं और इसके मल्टीपल फायदे भी होते हैं अब जस्ट लाइक स्टाइल हम स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली अपना जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकती हूँ एक अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं हम चाहें तो यहाँ पर एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं हेलो इस तरीके का एक अलर्ट क्रिएट कर दिया सेव कर दिया रिफ्रेश कर लिया तो जैसे ही पेज को खोलेंगे नोटिस करना है आपको कोई टेक्स्ट हमारे पास नहीं आया हमारे पास आया सिंपली एक अलर्ट जैसे ही इस पर ओके okay क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास पूरा कोड डिस्प्ले हो के आएगा अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि जब भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड आता है और हम कोई अलर्ट जैसी चीज प्रॉम्प्ट जैसी चीज क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है टेम्परि एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है मतलब हमारा पूरा पेज वेट करता है जब तक हमारा प्रॉम्प्ट या हमारा अलर्ट का जो विंडो है जो पॉपअप है वो बंद नहीं हो जाता टू एग्जीक्यूट द कोड फर्दर तो ये एक, एक एक्स्ट्रा चीज है जिसको आप याद रख सकते हैं तो ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना कोड लिख दिया जावा का पर जनरली हम ऐसे नहीं लिखते हमें जितना भी कोड लिखना होता है जेएस का उसको हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर लिखते हैं जैसे याम कंसोल डॉट लॉक करवा सकते हैं हेलो एंड इसे कर लेते हैं सेव एंड इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के अंदर स्क्रिप्ट को यानी इस फाइल को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं सोर्स इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जे एस तो ये सोर्स मतलब हम लिंक बता रहे हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल का इसको सेव किया रिफ्रेश किया अब चाहें तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे कंसोल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट क्या 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 हेलो प्रिंट हो गया आएगा तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारी जो स्क्रिप्ट डॉट जेस है दैट इज नाउ कनेक्टेड टू आर इंडेक्स डॉट एच डी एम एल अब हम चाहें तो स्क्रिप्ट डॉट जे के अंदर जाके एक अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं लेट्स राइट अपना कॉलेज इस तरीके का अलर्ट क्रिएट किया रिफ्रेश किया तो हमारे पास अलर्ट भी क्रिएट हो गया तो तीनों चीजों को मिक्स करके हमने कंटेंट डाल दिया है हमने कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दी है साथ के साथ हमने कुछ कुछ लॉजिक ऐड करने की कोशिश की है अब एक बार क्या करेंगे अपने इंस्पेक्ट विंडो को थोड़ा सा समझेंगे जब भी हम इंस्पेक्ट करते हैं यानी इंस्पेक्ट करके जब हम ये विंडो खोलते हैं तो हमारे पास ऊपर कई सारे टैब्स आते हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टैब है हमारे एलिमेंट्स एंड कंसोल एलिमेंट्स टैब के अंदर हमारा सारा का सारा एच का रिप्रेजेंटेशन आता है मतलब अपने एच कोड को हम यहां भी देख सकते हैं ये तो हो गया मेरा इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइल में किसी भी पेज का एस टी एम एल आपको एलिमेंट्स के अंदर भी मिल जाएगा जैसे अगर मैं गूगल के पेज पर गई रैंडमली इफ आई डू इंस्पेक्ट एंड आई गो हेयर एलिमेंट्स के अंदर मुझे बहुत सारे एस टी एम एल कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा एस टी एम एल कोड क्या है ये इस पेज का एस टी एम एल है जो मुझे दिख रहा है कंसोल के अंदर जाएंगे तो इसका कोड मुझे दिखने लग जाएगा तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप जाके इंस्पेक्ट करके भी आप नोटिस कर सकते हो अब जब हम एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे यहाँ मुझे दिख रहा है दिस इज माई एस टी एम एल टैग और जैसे ही आप हवर करोगे इन सब टैग्स के ऊपर ये हाईलाइट भी होते हैं पेज के ऊपर जैसे बॉडी टैग के ऊपर हवर करेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी हाईलाइट हो रहा है आपको लेफ्ट में दिख के भी आ रहा है अगर मैं H1 के ऊपर हाईलाइट करूं तो मेरा H1 हाईलाइट हो रहा है अगर मैं H4 के ऊपर हवर करूं मेरा H4 हाईलाइट हो रहा है बटन के ऊपर हवर कर रहे हैं बटन हाईलाइट हो रहा है पैराग्राफ के ऊपर हव कर रहे हैं पैराग्राफ हाईलाइट हो रहा है और हम चाहे तो एलिमेंट्स को जाकर सिलेक्ट भी कर सकते हैं ये हमारे पास कुछ एरो होगी जैसे ही इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट में अपने पेज के ऊपर जाएंगे वो एलिमेंट उस टैग से रिलेटेड एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है H1 का कलर हमें दिखा रहा है उसका बैकग्राउंड कलर हमें दिखा रहा है हमें फॉन्ट साइज दिखा रहा है 32 टू पिक्सल है हमारा फॉन्ट साइज तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है मार्जिन की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है नीचे जाएंगे एच के लिए दिखा रहा है साइजिंग भी दिखाता है बहुत सारी चीज़ें फॉन्ट साइज है सिक्सटीन पिक्सल्स कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है टाइम्स जो डिफॉल्ट है मेरे ब्राउजर का ये हमारा बटन है बटन के लिए उसका कलर दिखा रहा है फॉन्ट दिखा रहा है दिस इज एरियल फॉन्ट नेम दिखा रहा है रोल दिखा रहा है रोल इज इक्वल टू बटन तो सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है साथ के साथ वी कैन ऑल्सो एक्सेस द सी एस एस सी एस एस कहाँ से आती है सीएसएस एलिमेंट्स के ऊपर ही जब आप जाओगे तो नीचे की तरफ आती है नीचे की तरफ हमारे पास स्टाइल्स का एक टैब होता है जिसमें आपको देखेगा कि बॉडी कॉम ने क्या दिया बॉडी कॉम ने बैकग्राउंड कलर पिंक दे रखा है जैसे ही इस चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे वो बैकग्राउंड पिंक हट जाएगा जैसे ही ऐड करेंगे ऐड भी हो जाएगा बॉडी को और बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सी की जो मिल रखी हैं हम जाएंगे तो इस तरीके से पूरा को पूरा मॉडल स्टडी कर सकते हैं सी का बस उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें कवर कर रखी हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने बटन टैग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बटन टैग के ऊपर जाकर कवर करके क्लिक कर सकती हूँ तो मेरे पास नीचे स्टाइल की इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रखा है इसको कलर हमने व्हाइट दे रखा है टेक्स्ट कलर हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करके आई कैन ऑल्सो मेक इट पर्पल तो ये क्या हो गया पर्पल हो गया बट हमेशा की तरह कंसोल के अंदर या इंस्पेक्ट करने के बाद जितने भी चेंजेस होते हैं सारे टेम्पररी होते हैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी दोबारा से मेरा बैकग्राउंड कलर मेरे पास ब्लू हो जाएगा तो जो भी आप चेंजेस करते हो यहां पर इन एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल के अंदर कंसोल के अंदर सारे के सारे टेम्पररी चेंजेस है पर हां फाइल के चेंजेस परमानेंट है जो फाइल मैंने मैंने लिख दिया था कि बटन का कलर ब्लू ही होना चाहिए वो ब्लू ही कलर आपको दिखाई देगा तो एलिमेंट्स के अंदर हम जनरली देखते हैं अपने एच के लिए नीचे जाके स्टाइल्स में हमें अपनी स्टाइलिंग दिख जाती है कंसोल के अंदर हम देखते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए उसके अलावा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टैब्स होते हैं नेटवर्क वाला टैब इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस वाला इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन वाला इंपॉर्टेंट होता है पर उनके अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेट्स फॉर राइट नाउ फोकस ऑन एस टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट तो ये थे हमारे तीन मस्केटियर्स तीन पिलर्स जिनको कंबाइन करके हमने बहुत बेसिक सा कुछ डेवलप किया है और इनके तीनों के बीच का हमने रिलेशनशिप समझाया अब हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस है इसे यहां पे ना लिखने की बजाय स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर लिखने के क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं सबसे पहला तो जब भी हम अपने पूरे जावास्क्रिप्ट कोड को एक अलग फाइल के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे लिए रीडेबिलिटी बढ़ाता है रीडेबिलिटी बढ़ाने का मतलब है ये मैं आपको बेनिफिट बता रही हूं अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने के वरना चाहें तो हम एच के अंदर ही सारा कोड लिख सकते हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने का मतलब एज अ प्रोग्रामर कल को हम भी अपने कोड को जाके दोबारा पढ़ेंगे या कोई और प्रोग्रामर पड़ेगा जनरली कंपनीज के अंदर एक दूसरे का कोड रिव्यू करते हैं सीनियर डेवलपर्स आपका कोड कोड रिव्यू करेंगे तो उस केस में का अच्छा रीडेबल होना भी जरूरी है दूसरा यह मॉड्यूलरिटी को प्रोमोट करता है यानी मॉड्यूलर बनाने का मतलब होता है छोटे छोटे कर दिए और हर छोटे टुकड़े का अलग मतलब को अलग फाइल के अंदर डाल के उसका टुकड़ा बना दिया दिया स्क्रिप्ट कोड को अलग फाइल के अंदर डाल के उसका टुकड़ा बना दिया एंड थर्ड इट ऑल्सो हेल्प्स विद ब्राउजर कैशिंग क्योंकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट को इंडिविजुअल फाइल की तरह लग लिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने टैब को या वेबसाइट को या वेब पेज को रीलोड करोगे विद द चेंजेस तो वो जो लोडिंग टाइम होगा वो थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा तो इट इज अ बेटर मोर एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग जावा तो चाहे जावा हो चाहे सी हो दोनों को एस के अंदर लिखा जा सकता है पर हम लिखते नहीं है इस तरीके से हम अलग अलग फाइल्स के अंदर उनको एड करते हैं और फिर इन फाइल्स को हम इंडे के द्वारा के अंदर जोड़ते हैं ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग जरूरी नहीं है आपको एक ही सीएसएस फाइल लिंक करनी है आप चाहो तो दस पंद्रह बीस अलग अलग एस एस फाइल्स बना सकते हो और सारी की सारी यहाँ पे लिंक कर सकते हो पर अभी जनरली हम उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं से मल्टीपल द विंडो ऑब्जेक्ट हमारे ब्राउजर के अंदर जब भी हम किसी टैब को खोलते हैं हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट होती है दिस इज जावास्क्रिप्ट लाइक ऑब्जेक्ट जो हमेशा प्रेजेंट रहती है द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ओपन विंडो इन अफ आई गो टू माई ब्राउजर कंसोल के अंदर और यहाँ पे इफ आई राइट विंडो एंटर किया तो मेरे लिए इस तरीके की ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एलर्ट नाम का एक फंक्शन है एटॉब नाम का एक फंक्शन है ब्लर नाम का एक फंक्शन है जहां भी एफ लिखा हुआ है दे आर ऑल फंक्शन इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट तो कई सारे फंक्शन है हमारे पास आप स्क्रोल करोगे कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं फंक्शन के साथ साथ बहुत सारा डेटा इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है इतना डेटा है कि शायद ही किसी को याद होगा ये तो एज सच हमें इसको याद नहीं रखना कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज और क्या मेथड्स हैं पर हां हमारे लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट होती है इट इज ब्राउजर्स ऑब्जेक्ट नॉट जावास्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट क्रिएट नहीं करता ये हमारे लिए मेरा ब्राउजर क्रिएट करके देता है अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो ये क्रोम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए एंड इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाई द ब्राउजर इस विंडो ऑब्जेक्ट को हमने कहीं डिफाइन तो किया ही नहीं अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर तो इसे किसने क्रिएट किया इसे हमारे ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी तो जो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है इट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट विद लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स सारा का सारा जो हमारा कोड होता है वो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है जैसे अभी तक हमने अलर्ट को यूज किया या कंसोल डॉट लॉक को यूज किया एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाती हूं यहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस इंडेक्स डॉट एच को हटा देते हैं लेट्स ट्राई टू प्रिंट द विंडो ऑब्जेक्ट मैंने किया कंसोल डॉट लॉग विंडो सेव रिफ्रेश तो ये मेरे पास मेरी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई पूरी की पूरी अब यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट की जगह हम हेलो प्रिंट कर सकते हैं तो हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ जाएगा बट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग हेलो टू मैंने क्या किया विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग किया सेव कर लेते हैं रिफ्रेश करेंगे तो भी मेरा कोड वर्क कर रहा है तो ये जो console .log हम अभी तक use करते आए हैं ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है बस हमारे कोड को पता है कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे स्क्रिप्ट डॉट जे को पता है इवन तो हमने इसको कभी नहीं बताया हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा कोड के अंदर लेट विंडो इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके का हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा तब भी कोड को पता है जैसे हमने अलर्ट किया था तो जो हमारा अलर्ट होता है इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट हम विंडो डॉट अलर्ट लिख के भी अपने अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं रिफ्रेश किया मेरा अलर्ट क्रिएट हो गया मेरे लिए तो ये क्या हुआ विंडो ऑब्जेक्ट ने काम किया ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है इस तरीके से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो विंडो ऑब्जेक्ट की पार्ट है अभी जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसे हम such करके नहीं लिखते हमारे कोड को ऑलरेडी पता है सारी चीजें जो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए उस चीज को यूज कर लेता है पर हमसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि हमारी विंडो ऑब्जेक्ट क्या है ये किस तरीके से अवेलेबल होती है कैसे जनरेट होती है कौन इसे जेनरेट कराता है तो इसके बारे में हमें पता चाहिए अब नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे फाइनली हमारा जो बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज पढ़ेंगे जावा के अंदर दैट इज डॉम हमारी पिक्चर का जो सुपर हीरो है वो अब डॉम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ये काफ़ी मतलब कंफ्यूज करने वाली फुल फॉर्म है एज अ बिगिनर हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है पर है क्या बेसिकली हमारा जो एच जितना भी एच हम लिखते हैं अपने जावा के साथ अटैच करके वो सारा का सारा एच कोड जावा के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं मतलब उस सारे के सारे चाहे पैराग्राफ टैग हो गया चाहे एच वन हेडिंग टैग हो गया चाहे कोई बटन हो गया सारी के सारे एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है और उसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है ऑटोमेटिकली हमारे जो एच का पूरा कोड होता है वो या एच के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जावा के अंदर आके एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उस स्पेशल ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं डॉक्यूमेंट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बन जाती है है जिसको नाम दे दिया जाता डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है हमारी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर तो विंडो ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली होती है हमेशा हर पेज के ऊपर विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम की ऑब्जेक्ट और आ जाती है उसी ऑब्जेक्ट के पार्ट में सब सब ऑब्जेक्ट आ जाती है और इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा एच का हमारा कोड हम एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये जो हमारी फाइल है इसके लिए लेट्स रिमूव दिस प्रॉम्प्ट सेव रिफ्रेश यहाँ पे लेट्स ट्राई टू प्रिंट विंडो ऑब्जेक्ट ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई अब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो ए बी सी डी से स्टार्ट करते हैं ऊपर से डी में डी में आप देखोगे डॉक्यूमेंट करके कुछ लिखा रहा है इसके आरो पे क्लिक करोगे एक्सपैंड हो गया अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाके देखोगे तो यहां यू में क्या लिखा हुआ है यू आर एल में श्रद्धा खाबड़ा डेस्कटॉप जावा स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइव मिनिमाइजेड यहाँ क्या आ रहा है इंडेक्स और एस टी एम एल फाइल का पूरा का पूरा लिंक हमारे पास आ रहा है हमारे पास ऑल के अंदर सारे के सारे टैग्स आ रहे हैं जितने भी टैग्स को हमने यूज किया हमने एच वन को यूज किया एच फोर को यूज किया पैराग्राफ को यूज किया बटन को यूज किया इनफैक्ट इस पे जाके आप हवर करोगे तो वो हाईलाइट भी हो रहा है लेफ्ट साइड में आप पैराग्राफ के ऊपर हवर करोगे मेरा पेज के ऊपर पैराग्राफ हाईलाइट होकर आ रहा है ब्लू कलर में एच फोर के ऊपर हवर करेंगे एच फोर हाईलाइट हो रहा है एच वन के ऊपर हवर करेंगे एच वन हाईलाइट हो रही है बॉडी के ऊपर बॉडी हाईलाइट हो रही है लिंक टैग इस तरीके से सारे के सारे टैग्स मेरे पास अवेलेबल हैं हम और नीचे स्क्रोल करेंगे तो काफी सारी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी वी हैव समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोड्स, जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन है तो जो पूरा का पूरा हमारा है, है? हम तो हैं हमें पता है का विंडो का पार्ट है तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट प्रिंट कराएंगे तो अब देखेंगे पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ रहा है पूरा का पूरा, पूरा कोड प्रिंट होकर आ रहा है ये हमारा सारा का सारा एस का कोड है अब मुझे इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज देखनी है तो हम कर सकते हैं कंसोल डॉट डी आई आर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट तो हमारी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगी मतलब उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे ये जो कंसोल डॉट डी आई आर होता है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कंसोल डॉट लॉग काफी सारी नई चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर कंसोल डॉट लॉग का काम होता है कि ये चीजें सिर्फ प्रिंट करवा देता है स्क्रीन पे और कंसोल डॉट डी आई आर का काम होता है कि ये जो हमारी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गई ये उसे उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को प्रिंट करवाने के काम आता है पर यह तो क्या करता है ऑब्जेक्ट को एज एन एलिमेंट प्रिंट करा देता है तो जो हमारा कंसोल डॉट लॉग होता है एलिमेंट्स को स्पेशली ट्रीट करता है जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे डॉम एलिमेंट पैराग्राफ एच वन ये सब तो इन्हें हम डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे इन ऑब्जेक्ट्स को तो इस तरीके से हमारे लिए एच टी एम एल प्रिंट होगी जैसे अगर मैं लिखू कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट डॉक्यूमेंट ओके लेट्स मेक इट लॉग मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ मेरे लिए मेरा एच कोड प्रिंट हुआ तो कंसोल डॉट लॉक को हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए यूज़ नहीं करते हम कंसोल डॉट डी को यूज़ करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए तो हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना होता है वी ऑलवेज यूज डी वी प्रेफर दिस तो ये जो कंसोल डॉट डी है ये भी हमारी विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हमने क्या सीखा हमने ये सीखा हमारा जो HTML है उसको JavaScript के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कहाँ एक्सेस कर सकते हैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होती है डॉक्यूमेंट नाम से और ये डॉक्यूमेंट क्या होता है ये बेसिकली मॉडल होता है रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी हमारे एच के कोड की और इसी को हम अपना डॉम कहते हैं डॉम क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये हमारे एच का एक मॉडल बन गया है जिसको हमने नाम दे दिया है डॉक्यूमेंट और ये बेसिकली कैसा दिखता है इस डॉंग को अगर हम विजुलाइज करें तो ये इस तरीके का दिखता है मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है मेरे पास पेड़ जैसा कुछ दिखता है ऊपर से हमारी जड़ें शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती है हमारे कोड के हिसाब से और ये जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें हर इंडिविजुअल बॉक्स को हम अपनी नोड कहते हैं ट्री के अंदर हर एक बॉक्स को नोड कहा जाता है तो हर एक नोड क्या है हर एक नोड हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ये भी 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 ऑब्जेक्ट है, है तो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट क्योंकि डॉक्यूमेंट नाम है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट object, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सारी की सारी मॉडल क्योंकि का हमने मॉडल बनाया है तो इसीलिए इसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सो वेन वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज जबकि कोई वेब पेज होता है उसका डॉम क्रिएट हो जाता है हमारा ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट करके दे देता है ये जो डॉम है ये हमारा एक ट्री लाइक -like स्ट्रक्चर होता है जिसमें शुरुआत होती है हमारी विंडो के साथ ये जो विंडो ऑब्जेक्ट होती है इसी के अंदर सब कुछ होता है तो विंडो के अंदर ही हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आती है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट आता है डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एच की नोड आ जाती है एच यानी ये जो हमारा इंडेक्स डॉ एच है इसमें ये वाला जो टैग है इसी के अंदर सब कुछ है तो इसकी नोड आ गई अब एच के अंदर भी एक हेड है और एक बॉडी है तो यहां से दो हिस्से हो जाते हैं एक हमारा हेड वाला पार्ट आ जाता है एक हमारा बॉडी वाला पार्ट आ जाता है अब हेड पार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ मेटा टैग्स हो सकते हैं तो ये ए पहला मेटा टैग आ गया दूसरा मेटा टैग आ गया हमारे पास एक टाइटल हो सकता है ये हमारे टाइटल की नोड आ गई ये हमारा लिंक हो सकता है हमारे पास लिंक की नोड आ गई उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमारे पास एच वन हो सकता है ऑल दो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है डिव का एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पर बेसिकली आई कैन क्रिएट अनदर टैग कॉल्ड डिव डिव के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से रिफ्रेश किया तो ये ए बी सी डी प्रिंट होके आ गया तो ये जो डिव था बॉडी के अंदर हमारा डिव आ सकता है डिव के अंदर अगर मैंने कोई इमेज ऐड की है एच वन एड किया पैराग्राफ ऐड किया और डिव ऐड किया है तो इस तरीके से वो भी आ सकते हैं और फिर क्योंकि हमने स्क्रिप्ट टैग भी ऐड किया है तो स्क्रिप्ट टैग भी आ जाएगा बॉडी टैग के पार्ट जो है तो ये सारी की सारी नोड्स हैं जो हायरार्कियल हायरार्कियल यानी ऊपर से लेके नीचे तक मतलब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगी डॉक्यूमेंट के अंदर एच टी एम एल होगा कैसे पता चले डॉक्यूमेंट के अंदर एच टी एम एल होगा अब बेसिकली हम अपने एच टी एम एल को जावा स्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं उसका तरीका होता है सबसे पहले तो प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग अपनी विंडो ऑब्जेक्ट को या कंसोल डॉट डी आई आर अपनी विंडो ऑब्जेक्ट को तो हमारे लिए हमारी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई अब इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो लिख सकते हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट रिफ्रेश किया तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है चाहे तो सिंपली डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट को भी लिख सकते हैं क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट तो ग्लोबल है उसके बारे में सबको पता है रिफ्रेश किया तो भी हमारे पास वही सेम चीज़ प्रिंट होकर आएगी अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मुझे बॉडी को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है इस बार हमारे पास हमारी बॉडी वाली जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो होकर आई हम चाहें तो एक लाइन में डी कर सकते हैं और एक लाइन में कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो ये तो पूरी ऑब्जेक्ट आ गई और इसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास एच वर्जन आ गया यानी बॉडी के जो सारे के सारे टैग्स थे वो हमारे पास प्रिंट होके आ गए अब इस बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे इट हैज समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स के अंदर क्या होता है चाइल्ड नोड बेसिकली होता है कि एक नोड के अंदर नीचे की तरफ कितनी नोड्स हैं। तो बॉडी के अंदर ही क्या क्या है इसी के अंदर हमारी टेक्स्ट नोड आ जाती है इसी के अंदर डिव आ गया जो हाईलाइट हो रहा है एच वन आ गया एच फोर आ गया पैराग्राफ आ गया बटन आ गया स्क्रिप्ट आ गया और इन्हीं से रिलेटेड इनके टेक्स्ट नोट्स आ गई डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाना बस थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा महसूस करना है कि हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉम के अंदर बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसको मैंने प्रिंट करवाया जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स हैं इसका एच से आज सच कोई रिलेशन नहीं है पर फिर भी मैं अपने एच को एक्सेस कर पा रही हूँ देख पा रही हूँ एच के कोड को हम टच कर पा रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट तो ये हमारा पूरा के पूरा चाइल्ड नोट आ गए उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देयर एंड जिस तरीके से हमने अपने बॉडी को प्रिंट करवाया है वैसे ही हम डॉक्यूमेंट से अपने हेड को प्रिंट करवा सकते हैं रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास हमारा हेड आ गया कंप्लीटली अब डॉम से अभी तक जो लर्निंग्स है उनको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ डॉम मुझे पता चल गया एच टी एम एल को जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करने का तरीका है डॉम पर फिर मेरे दिमाग में सवाल आएगा ठीक है डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारे एच टी एम एल टैग्स एस टी एम एल एलिमेंट्स मेरे पास एक्सेसिबल होते हैं ठीक है मैंने उनको एक्सेस कर लिया उनकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया जैसे इफ आई वॉन्ट आई कैन प्रिंट कंसोल डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बॉडी को प्रिंट करवाया कंसोल डॉट डी आई आर ये मेरी बॉडी आ गई बॉडी के अंदर मैं चाहूँ तो आई कैन डू समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोट्स और चाइल्ड नोट्स में मैं अपनी

फॉर एक्जाम्पल हमने वेबसाइट्स पे देखा होगा डार्क मोड होता है लाइट मोड होता है अब मुझे चाहिए कि मेरे बटन को क्लिक करने से मेरी वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो उसे कैसे चेंज करें हम जाके कोई यूजर बटन क्लिक करेगा जाके अपने जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं सर्वर के ऊपर उनके अंदर तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार आपने फाइल के अंदर कोड लिख दिया वो तो वैसे का वैसा सेट हो जाएगा उसे चेंज नहीं कर सकते पर रन टाइम पे मतलब डायनेमिकली जब यूजर एक्सेस कर रहा है वेबसाइट पे उस टाइम पे जो चेंजेस होने हैं वो सारे के सारे चेंजेस हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कर सकता है एच HTML CSS नहीं कर सकते तो के अंदर हम चेंजेस करते हैं पेज पेज के 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 ऊपर। जैसे ये लो, लोड हो गया। अब इसकी फाइल अंदर अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। पर फिर भी मुझे कलर चेंज करना है। जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है उसके लिए मुझे उसका स्टाइल चेंज करना है और स्टाइल के अंदर मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है Background, and इस को I want to convert it

जो हेडिंग हैडिंग के अंदर नंबर थ्री को एक्सेस करते हैं और इसके अंदर आई एल राइट समथिंग या इसे कट कर लेते हैं पेस्ट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ए बी सी डी सेफ रिफ्रेश तो ये क्या हुआ मेरी हेडिंग चेंज हो गई एबीसीडी हो गई हेडिंग इसी कोड को यहां से हटा लेते हैं सेव रिफ्रेश तो ये क्या नॉर्मल हेडिंग है मेरे पास

को करने के लिए हम अपने डॉम को यूज करते हैं तो इसीलिए डॉम का सबसे बड़ा फायदा होता है डायनेमिक चेंजेस करना इन आर वेब पेज तो नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड डॉम यानी हम डॉम के अंदर चेंजेस करना कैसे शुरू कर सकते हैं अब डॉम के अंदर चेंजेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके अंदर चेंज करना चाहते हैं क्या मैं इस हेडिंग के अंदर चेंज करना चाहती हूँ रिफ्रेश कर लेते हैं इसे डू आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज टू दिस हेडिंग या मुझे इस पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है या मुझे इस बटन के अंदर चेंज करना है मुझे चेंज एक्जैक्टली exactly करना कहाँ पे है तो उसके लिए मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सेस करना यानी किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में अभी तो हमने अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्क्रिप्ट को हेड के अंदर इंक्लूड कर लिया होता है अपने स्क्रिप्ट टैग को जब हम यहाँ लिख देंगे तो बेसिकली हम कह रहे हैं हमारी बॉडी से पहले हमारी स्क्रिप्ट लोड होनी चाहिए हमारे जावा स्क्रिप्ट का कोड लोड होना चाहिए तो जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर अगर अब हम प्रिंट करवाएं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को सेव किया रिफ्रेश किया तो इस बार क्या प्रिंट होगा इस बार नल प्रिंट होगा इसे जूम इन कर लेते हैं नल के बारे में पहले भी बात की थी नल क्या है एक स्पेशल टाइप होता है प्रिमेटिव टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और नल का मतलब होता है खाली ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमें पता है एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी पर अभी क्या है अभी वो खाली है तो उसकी वैल्यू क्या है नल प्रिंट होकर आ रही है तो जब हम अपनी स्क्रिप्ट को बॉडी से पहले लोड कर लेते हैं तो उसके अंदर डॉम एलिमेंट्स एक्सेसिबल नहीं होते कोड के अंदर तो इसीलिए अपना जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हमको लिखना पड़ता है लास्ट में सेव किया रिफ्रेश किया तो इस बार हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रिंट हो रही है सो दैट इज द मेजर रीजन वाई वी राइट राइटर स्क्रिप्ट टैग जस्ट बिफोर एंडिंग द बॉडी टैग तो अपने दोबारा से स्क्रिप्ट डॉट जे के अंदर आ जाते हैं अब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग विद एक्सेसिंग आर एलिमेंट्स सबसे पहला तरीका होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का सिलेक्ट करने का यूजिंग देयर आईडी जो हमारे इंडक्स डॉट एस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं इन सबको हम एक आईडी दे सकते हैं आईडी बेसिकली होता है कि जैसे हमें रोल नंबर मिल जाता है स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर हमारे पास एक यूनिक रोल नंबर होता है और हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है आपका रोल नंबर अलग होगा मेरा रोल नंबर अलग होगा उसी तरीके से हर एक एलिमेंट को हम एक इंडिविजुअल आई दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी एच हेडिंग है इसको मैंने दे दी आई इज इक्वल टू हेडिंग इस तरीके से मैंने इसे कोई आईडी दे दी हेडिंग इसे बोल सकते हैं तो अब मुझे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग इट्स आईडी तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होगा मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर का ही एक मेथड हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आई और फिर अपनी आई का हम नाम लिख देंगे तो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई और उसके बाद डबल कोड्स के अंदर हमें लिखना है अपनी आईडी का नाम मेरी आईडी का नाम है हेडर सेव कर लिया रिफ्रेश किया एज सच कोई चेंज नहीं आएगा इसे क्या करना पड़ेगा यह वैल्यू रिटर्न करता है ये हमें हमारी हेडर वाली आईडी की एच वन की वैल्यू रिटर्न करेगा उसे हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं इसको कह देते हैं हेडिंग इज इक्वल टू ओके दिस वाज सपोज टू बी हेडिंग नॉट हेडर एंड फिर इस हेडिंग को हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग हमारी हेडिंग सेव कर लिया रिफ्रेश कर लिया तो ये हमारी हेडिंग हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई हमें इसे हमेशा करना है डी आई आर बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट तो ये हमारी एच वन टाइप की हेडिंग आ गई आई डीज जनरली हमें कैसे दिखती हैं आई डीज को दिखाने के लिए कोड के अंदर हैश यूज किया जाता है हैश और फिर हम अपनी आई डी का नाम लिखते हैं जैसे अगर मुझे अपनी आई डी के हिसाब से अगर स्टाइल देना होगा जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर अगर मुझे एच वन को स्टाइल नहीं देना इसकी आई डी के बेसिस पे स्टाइल देना है तो मैं लिखूंगी हैश हेडिंग तो ये हैश हमेशा आईडी का सिंबल होता है सेव किया रिफ्रेश किया तो भी मेरी स्टाइलिंग अप्लाई करेगी तो वही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एच तो हेडिंग है टैग का नाम है एच और है हैश हेडिंग यानी उसकी आईडी है हेडिंग और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी तो हेडिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसको अभी धीरे धीरे हम समझेंगे अभी के लिए हमने देख लिया हेडिंग से एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है दूसरा तरीका होता है एलिमेंट को एक्सेस करने का यूजिंग क्लास नेम अब हेडिंग तो होती है हर आइटम की यूनिक हर जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है उसे हम यूनिक हेडिंग देते हैं जैसे अपने कोड के अंदर इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के अंदर ये मेरी एच वन हेडिंग हो गई हम एक और एच वन हेडिंग बना सकते हैं इसको हम कह सकते हैं आई डी हेडिंग टू एंड यहां लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से सेव से किया रिफ्रेश किया तो फर्स्ट हैडिंग आ गई ये सेकेंड हैडिंग आ गई इसके ऊपर स्टाइल क्यों नहीं आ रहा स्टाइल इसलिए नहीं आ रहा इसके ऊपर क्योंकि स्टाइल डॉट सी में सिर्फ इस आई को हमने स्टाइलिंग दी है और ये आई किसके पास है सिर्फ एच के पास है एच के पास दूसरी आई है तो इवन दो ये दोनों एच वन ही टैग्स हैं एच वन ही एलिमेंट्स हैं पर इन दोनों की आई डी अलग अलग है तो हम वैसे तो सेम आई डी दे सकते हैं पर कभी देना नहीं है क्योंकि आई डी का रोल होता है टू बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट पर अगर हमारे पास कोड में इस तरीके की कुछ कंडीशन आ जाती है फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बटन है उसका भी टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए मेरा जो पैराग्राफ है इसके भी टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए तो बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम अगर हम एक कैटेगरी के अंदर डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सेम हो सकती है और क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर अपनी क्लास का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं एलिमेंट को तो जैसे यहां पर दोनों जो हेडिंग है एच वन एच टू एच फोर को ये जो आईडी है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं टू सम क्लास एंड भी इसे सेम क्लास दे देते हैं हेडिंग इसको भी क्लास दे दी हेडिंग इसको भी क्लास दे दी हेडिंग इसको भी क्लास दे दी हेडिंग सेव किया एंड अब स्टाइल डॉट सी के अंदर जाके हम अपनी डॉट हेडिंग के हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं तो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है रिफ्रेश किया तो क्या हो गया तीनों को सेम स्टाइलिंग मिल गई क्योंकि तीनों की क्लास सेम है ये जो क्लास एंड आईडी होती है हमें इंस्पेक्ट करके भी दिखाई दे सकती है आप जाके क्लिक करोगे एच वन के ऊपर तो बेसिकली यहां पे दिख जाता है हमारे एलिमेंट्स के अंदर जाके H1 के अंदर मुझे क्लास दिख रही है हेडिंग इस H1 को भी सेम क्लास है इस H4 को भी सेम क्लास दी हुई है अब क्लास के बेसिस पर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम और फिर अपनी क्लास का नाम तो यहां हम लिख सकते हैं स्टाइल डॉट सी को क्रॉस कर देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जे में वी कैन राइट लेट बहुत सारी हेडिंग्स इनको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स इस बार क्या हो जाएगा एलिमेंट्स हो जाएगा यहां पे सिंगल है एलिमेंट क्यों सिंगल है क्योंकि आईडी की एलिमेंट की यूनिक होती है पर यहां हो जाएगा एलिमेंट्स क्योंकि क्लास नेम तो बहुत लोगों का कॉमन हो सकता है और यहां हम लिख देंगे अपनी क्लास का नाम मेरी क्लास का नाम क्या था अब हेडिंग था मेरी क्लास का नाम इसे सेव कर लेते हैं या इनफैक्ट इसे और थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए हम इसे कह देते हैं हेडिंग क्लास मेरी क्लास का नाम क्या था इट वॉज हेडिंग क्लास सेव कर लिया यहां हमने लिख दिया हेडिंग क्लास सेव, रिफ्रेश ओके इसे इस हेडिंग्स को हमें स्टोर भी करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग या डी आई आर हेडिंग्स एंड साथ में लॉग भी करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हेडिंग्स सेव ऊपर वाले कोड को कर सकते हैं कॉमेंट आउट रिफ्रेश तो ये हमारे पास क्या गया? आ गया एक एच टी एम एल कलेक्शन आ गया एस टी कलेक्शन के अंदर क्या क्या है एक तो हमारे पास हमारी फर्स्ट हेडिंग है सेकेंड हेडिंग है और ये थर्ड हेडिंग है ऑफ टाइप एच और इस एस टी कलेक्शन के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जीरो एथ को अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट वाली जो हेडिंग है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी टेक्स्ट आप देख सकते हो यहां पर डॉम डेमो बाई अपना कॉलेज फर्स्ट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे Scroll करेंगे इसका हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ इनर टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ रहा है जावास्क्रिप्ट तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो हमारा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या रिटर्न करता है ये हमारे लिए एक एच कलेक्शन को रिटर्न करता है एच कलेक्शन इज वेरी सिमिलर टू एन एरी ये एरे जैसा ही होता है इसके अंदर भी इंडेक्स आप नोटिस कर सकते हो जीरो इंडेक्स है टू इंडेक्स है और इसके अंदर लेंथ प्रॉपर्टी भी होती है बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं पुश पॉप जैसे मेथड्स नहीं होते पर हाँ अगर हम एच टी की बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू एन एरे बस वो एक्जैक्टली exactly एरे नहीं होता इट इज अ डिफरेंट थिंग कॉल्ड एच टी एम एल कलेक्शन ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया होता है heading, अब हेडिंग नाम की तो कोई क्लास है ही नहीं हमारे पास कौन सी क्लास है हमारी क्लास का नाम है हेडिंग क्लास माई क्लास नेम इज़ हेडिंग क्लास तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया हेडिंग तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा हमारे जो एच डी एम एल कलेक्शन होगा वो खाली आएगा क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा उसके अंदर लेंथ क्या आएगी लेंथ उसकी आएगी इक्वल टू जीरो और यहीं पर अगर हम ऐसी आई डी को सर्च करते जो है ही नहीं जैसे यहाँ हम आई डी को सर्च कर रहे हैं हेडिंग और हेडिंग नाम की कोई आई डी तो है ही नहीं हमारे कोड के अंदर तो इसको सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा नल प्रिंट होके आएगा तो जब किसी आईडी वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो नल प्रिंट होके आता है जब किसी क्लास वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास एम टी कलेक्शन आता है इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हम इसे दे सकते हैं माई क्लास इनको मैंने क्या नाम दे दिया माई क्लास नाम दे दिया थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा दैट दिस इज माई क्लास और बटन को हम एक आई दे सकते हैं लेट्स गिव गिव इट आई डी ऑफ माई आई तो यहाँ पे हम माई क्लास अपनी क्लास का नाम हम लिख सकते हैं रिफ्रेश किया हमारे पास एस टी आ गए और यहाँ चाहे तो बटन को एक्सेस कर सकते हैं लेट बटन इज इक्वल टू और ये हमने माई आई लिख दी तो हम बटन को प्रिंट करवा सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया ये हमारा बटन हमारे पास आ गया इसकी आईडी दिख रही है ये हमारा HTML कलेक्शन हमारे पास आ गया अब तीसरा तरीका होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का दैट इज यूजिंग द टैग नेम कि हम सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को एक्सेस करना चाहते हैं सारे के सारे एच को एक्सेस करना चाहते हैं इस तरीके से तो इंडेक्स डॉट एस के अंदर दो पैराग्राफ्स बना लेते हैं दिस इज ये जो होगा ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा सेफ रिफ्रेश तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है इसे प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं लेट पैरास कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और इसके अंदर हम अपनी टैग का नाम डाल देंगे मुझे पैराग्राफ्स चाहिए सारे के सारे तो हम कंसोल डॉट डी आई आर करा सकते हैं अपने पैराग्राफ्स को सेव किया रिफ्रेश किया ये हमारे पास दोबारा से एच डी एम एल कलेक्शन आ गया जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ का हमें टेक्स्ट देखना है तो यहाँ जाके हम देख सकते हैं लर्न अबाउट डॉम कॉन्सेप्ट सेकेंड पैराग्राफ का हमें टेक्स्ट देखना है यानी इस वाले का तो इनर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है इन सबके पास यहाँ हम जा सकते हैं टू इनर टेक्स्ट यहाँ लिखा रहे सेकेंड पैराग्राफ तो इस तरीके से तीनों तीन अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास टू एक्सेस आर एलिमेंट्स फ्रॉम द पेज अब वैसे तो इन तीनों तरीकों को यूज किया जा सकता है पर इससे भी लेवल अप एक और बेटर तरीका होता है टू एक्सेस एलिमेंट्स इज कॉल्ड द क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम अपनी आईडी भी पास कर सकते हैं हम अपनी क्लास भी पास कर सकते हैं हम अपने टैग का नाम भी पास कर सकते हैं और वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमें किस तरीके के एलिमेंट्स चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे पैराग्राफ्स चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या क्या मुझे अगर कोई टैग चाहिए किसी टैग के बेसिस पे एलिमेंट्स चाहिए जैसे मुझे सारे के सारे पैराग्राफ्स टैग चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपने डबल कोर्स डबल कोर्स के अंदर अपने टैग का नाम और फिर क्या कर सकते हैं कंसोल डॉट डी कर सकते हैं एलिमेंट्स को सेव कर लेंगे रिफ्रेश किया ये हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया तो जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हैं तो वो इस टैग से मैचिंग जो भी अंदर लिखा होगा चाहे आई है चाहे क्लास है चाहे टैग है उससे मैचिंग फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे देगा और अगर हमें सारे एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसे कह देते हैं फर्स्ट एलिमेंट दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट और सारे के सारे चाहिए तो उसके लिए हम लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल और इसको कह देंगे ऑल एलिमेंट्स तो जब हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे जब ऑल एलिमेंट्स चाहिए सारे मैचिंग एलिमेंट्स चाहिए तब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे तो इसे सेव कर लेते हैं रिफ्रेश कर लेंगे पहले वाले में तो फर्स्ट आया सिर्फ पैराग्राफ दूसरे वाले में क्या आया नोड लिस्ट आई तो हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर क्या रिटर्न करता है क्वेरी सिलेक्टर हमारे लिए नोड लिस्ट रिटर्न करता है यानी नोट्स की लिस्ट नोड क्या होता है ऑलरेडी हमने बात कर रखी है क्या होता है हमारे लिए नोड हमारे जो डॉम का ट्री बनता है इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल चीज हमारे लिए नोड बन जाती है तो इस नोड के अंदर अगर हम लिस्ट बना ले मल्टीपल नोट्स की तो वो एक नोड लिस्ट कहलाएगी तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा ओके okay, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा तो हम चाहे तो एक को भी एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल को भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बेसिस पे कैसे एक्सेस करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी माई क्लास क्लास का नाम दिया यहाँ पर माई क्लास लिख देते हैं और यहाँ भी माई क्लास लिखते हैं अब क्लास का नाम जब भी हम लिखते हैं उसे हम हमेशा एक डॉट के साथ लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर के अंदर डॉट के साथ लिखना पड़ता है सेव किया रिफ्रेश किया फर्स्ट क्लास कौन सी मिली ये इस H1 की मिली कौन से वाले H1 की मिली इनर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो डॉम डेमो बाय अपना कॉलेज ये वाला जो हमारा H1 है इसकी है फर्स्ट क्लास और सारे के सारे नोट्स को अगर देखें दिस वाज माय फर्स्ट नोट दिस वाज माय सेकंड नोट दिस वाज माय थर्ड नोट उसी तरीके से आईडी के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं आईडी में क्वेरी सिलेक्टर ऑल सेंस नहीं बनाता आईडी के बेसिस पे सिंगल एलिमेंट आएगा तो मैं अपना बटन सर्च कर सकती हूँ यूजिंग माय आईडी सेव किया रिफ्रेश किया ओके हमारे पास नल प्रिंट होकर आ रहा है क्यों क्योंकि आईडी के सामने हमें डॉट नहीं लगाना आईडी के सामने हमें, हमें हैश लगाना है सेव किया रिफ्रेश किया हमारे पास हमारा बटन आ गया बटन से रिलेटेड बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अब ये तो हो गया एलिमेंट्स को एक्सेस करना उसके बाद एक्सेस करने के बाद हम अपने एलिमेंट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं वैल्यू को गेट करना यानी उसको चेक करना और हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं मतलब उसे चेंज भी कर सकते हैं उसे अपडेट भी कर सकते हैं तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम याद रख सकते हैं दैट इज द टैग नेम टैग नेम हमें किसी भी एलिमेंट नोड का टैग रिटर्न कर देती है जैसे मुझे चाहिए कि मेरे पास ये एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट जिसे मैंने प्रिंट करवा रखा है आई नो दिस इज माई बटन अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे अपने फर्स्ट एलिमेंट को दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे लिए एक बटन है अब फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम जैसे ही मैंने किया तो इसका टैग का नाम आ जाएगा टैग क्या है इसका बटन टैग है एच के अंदर बटन कैसे बनता है बटन टैग से तो वो मेरे पास आ जाएगा उसी तरीके से इफ आई सर्च फॉर लेट सपोज आई सर्च फॉर पैराग्राफ मैंने क्या किया अपने पैराग्राफ के बेसिस पे सर्च किया, किया मेरे पास मेरा पैराग्राफ आ गया तो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके अंदर अभी पैराग्राफ है जैसे ही मैंने फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम किया मेरे पास क्या आ जाएगा पैराग्राफ प्रिंट होकर आ जाएगा तो किसी भी एलिमेंट का टैग नेम प्रिंट करवाने के लिए हम डॉट टैग नेम कर सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनर टेक्स्ट इनर टेक्स्ट क्या रिटर्न करती है इट रिटर्न द टेक्स्ट कॉन्टेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल इट्स चिल्ड्रेन अब पहले तो ये चिल्ड्रेन टर्म कहाँ से आ गई यहाँ पे चिल्ड्रन का मतलब तो बच्चे होता है हम चिल्ड्रन के बारे में कैसे समझ रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं जब भी हम अपने डॉम स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है डॉम स्ट्रक्चर का हमने कोड के अंदर हो सकता है बॉडी टैग के अंदर इस तरीके से अपना कोड लिखाओ दिस वॉज माई बॉडी टैग बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव बनाया था इस तरीके से एंड डिव के अंदर मैंने क्या किया था एक मैंने इमेज टैग क्रिएट किया था एक मैंने एच वन क्रिएट किया था थोड़ी सी और इसे स्पेसिंग दे देते हैं एक हमने लेट्स सपोज कोई पैराग्राफ टैग क्रिएट किया होगा एक हमने एक और दूसरा डिव क्रिएट किया होगा सो दिस वॉज माई डिव एंड उसके अलावा यहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट टैग भी बनाया होगा इस तरीके का सपोज करते हैं हमारे पास एच कोड था तो इसका डॉम वर्जन ये हो जाएगा सबसे ऊपर जो है बॉडी आ गई अब बॉडी के अंदर क्या क्या है बॉडी के अंदर हमारे पास डिव है और स्क्रिप्ट है दोनों कहाँ पे सेम लेवल पे हैं ऐसा नहीं है डिव स्क्रिप्ट के अंदर है डिव और स्क्रिप्ट दोनों के दोनों बॉडी के अंदर है तो एक तरफ हमारे पास डिव आ जाएगा एक तरफ हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाएगा फिर डिव के अंदर क्या क्या है डिव के अंदर इमेज है एच वन है पैराग्राफ है डिव है तो ये सारे के सारे इस टैग के अंदर आ जाएंगे इसके नोड के अंदर आ जाएंगे तो इमेज एच वन पैराग्राफ एंड डिव हमारे पास इस तरीके से आ गई अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हमें पता है हम क्या कहते हैं इसे इसे हम अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर जो नोड होती है उसे कहा जाता है पेरेंट और पेरेंट के जो नीचे जितनी भी नोड्स होती है उन्हें हम कहते हैं चाइल्ड नोड तो ये क्या है चाइल्ड बन गया ये क्या है ये भी दूसरा चाइल्ड बन गया जैसे हमारे पास घर में अपने मम्मी पापा होते हैं और हम मम्मी पापा के बच्चे हैं तो वैसे ही बॉडी टैग के अंदर जो जो आ गया वो उसका बच्चा है बॉडी के अंदर डिव आ गया बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग आ गया दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस पेरेंट टैग इसे पेरेंट कहा जाता है इसे चाइल्ड एलिमेंट कहा जाता है अब वैसे ही अगर मैं सिर्फ इनका एग्जाम्पल लू तो यहां पे सिर्फ इतने ट्री का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहां पे क्या होगा यहाँ पे हमारा डिव क्या बन जाएगा पेरेंट बन जाएगा किसके लिए पेरेंट बन जाएगा इन चारों के लिए ये चारों क्या बन जाएंगे ये चारों हमारे चाइल्ड नोड्स बन जाएंगे तो ऊपर वाला जो होता है, बनती है। जैसे घर में हायरार्की होती है हम होते हैं हमारे मम्मी पापा होते है, हमारे पेरेंट होते हैं फिर हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वैसा ही यहाँ पर होता है इमेज का पेरेंट कौन है डिव का पेरेंट कौन है बॉडी है बॉडी का चाइल्ड कौन है डिव है डिव का चाइल्ड कौन है इसके चार चिल्ड्रेन है इस तरीके से पेरेंट का क्या मतलब होता है पेरेंट का मतलब होता है जो नोड ऊपर आ रही है चाइल्ड का क्या मतलब होता है चाइल्ड का मतलब होता है जो नोड डायरेक्टली नीचे आ रही है जैसे ये हमारे पास एक नोड है इस node के नीचे नीचे जो 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 आएगी ये हमारी हमारी होगी और इसके भी हैं हैं इन सब को हम descendants कहते हैं। descendants. Descendants यानी जो हमारी ही वंश में आगे बढ़ा रहे होते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम उनके डिसेंडेंट्स हैं मतलब उन्हीं की सेम लाइन के अंदर हम आगे वर बॉर्न तो उन्हें डिसेंडेंट्स कहा जाता है बाकी डिसेंडेंट्स आपको नहीं भी याद रहता तो कोई नहीं और तीसरी टर्म तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है एक होता है पेरेंट एक होता है चाइल्ड यहीं पे नोट कर लेना है एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड तीसरी टर्म होती है हमारे पास सिबलिंग सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन अब यहाँ पे कौन कौन सिबलिंग है उसको देखते हैं एक बार सिबलिंग वो होते हैं जो दोनों सेम लेवल पे होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर एज के होते हैं तो बेसिकली डिव और स्क्रिप्ट मेरी क्या है सिबलिंग्स है दोनों क्या है भाई भाई हैं या बहन बहन है जो भी आप चाहो इमेज एच वन पैराग्राफ और डेव ये चारों क्या है एक दूसरे के सिबलिंग नोड्स हैं भाई बहन वाले नोड्स हैं क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रहे हैं तो ये तीन टर्म्स हैं जो हमें अपने इस ट्री के लिए पेड़ के लिए याद होने चाहिए कौन से ट्री के लिए हमारे डॉम ट्री के लिए अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो यहां मैं आपको स्पेसिफिकली दूंगी इस होमवर्क प्रॉब्लम को या तो आप अभी पॉज करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट और यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट आफ्टर द लेक्चर एंड्स तो होमवर्क प्रॉब्लम बेसिकली ये है लेट सपोज हमारे पास ये ट्री है दिस इज वॉट दिस इज माई डॉम ट्री डॉम ट्री के अंदर हमें पता है ऊपर हमारा बॉडी टैग हो सकता है उसके अंदर डिव हो सकता है डिव के अंदर इमेज इमेज एच वन इस तरीके से हो सकते हैं अब ये बॉडी टैग क्या है ये बॉडी टैग हमारा पेरेंट है इसका चाइल्ड कौन है इसका चाइल्ड है हमारा डिव ये डिव क्या है ये खुद में अपने आप में एक पेरेंट है और इसका चाइल्ड कौन है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है ये इसका सेकेंड चाइल्ड है इसका थर्ड चाइल्ड है तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितनी भी नोट्स होती हैं इन नोट्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड फर्स्ट चाइल्ड इनफैक्ट फर्स्ट चाइल्ड मैं आपको सर्च करके भी दिखा सकती हूँ इफ यू सर्च फॉर डॉम फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप सर्च करोगे तो एमडियन डॉक्यूमेंटेशन में वी हैव समथिंग कॉल्ड नोड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी तो द रीड ओनली फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द नोड इंटरफेस रिटर्न द नोट फर्स्ट चाइल्ड इन द ट्री पहला चाइल्ड रिटर्न करती है तो बॉडी टैग का पहला चाइल्ड कौन है बॉडी टैग का पहला चाइल्ड है डिव डिव का पहला चाइल्ड कौन है डिव के तीन चिल्ड्रेन है डिव का पहला चाइल्ड है इमेज तो हमारे पास एक फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है ऐसे ही एक लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी भी होती है आप चाहो तो जाके सर्च कर सकते हो यू कैन सर्च ऑन एम लास्ट चाइल्ड तो ये प्रॉपर्टी आ गई नोड लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी ये कौन होता है लास्ट चाइल्ड ऑफ द नोड तो डिव का तो पहला एक ही चाइल्ड है जिसका एक ही सन है एक ही डॉटर है उसके लिए तो फर्स्ट चाइल्ड भी वही है लास्ट चाइल्ड भी वही है डिव के तीन तीन चिल्ड्रेन है तो उसके लिए लास्ट चाइल्ड कौन है उसके लिए लास्ट चाइल्ड है एच वन तो बॉडी टैग के लिए जब हम डॉट फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे जैसे यहां पर अपने कोड में इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में मेरी बॉडी टैग के लिए फर्स्ट चाइल्ड है और डिव तो अगर स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर मैं प्रिंट करवाऊं कंसोल डॉट लॉग या डी आई आर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड तो क्या प्रिंट होकर आएगा रिफ्रेश करेंगे ओके दिस इज अ टेक्स्ट नोट जो मेरे लिए प्रिंट होकर आ रही है बट टेंशन की बात नहीं है वट आइल डू इज़ तो ये जब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड तो हमारे लिए प्रिंट होकर आएगा समथिंग कॉल्ड अ टेक्स्ट अब ये क्या आ गया हमने तो एक्सपेक्ट किया था हमारे लिए डिव प्रिंट होके आएगा पर हमारे लिए तो ये चीज़ प्रिंट होकर आ गई टेक्स्ट प्रिंट होकर आ गया बेसिकली जब भी हम नोट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं जब भी हमारा डॉम का ट्री बनता है तो उसमें तीन तरीके की नोट्स हमारे पास होती हैं फर्स्ट तरीके की होती हैं हमारी टेक्स्ट नोट्स सेकेंड तरीके की नोट्स होती हैं हमारी कॉमेंट नोट्स थर्ड तरीके की नोट्स होती हैं हमारी एलिमेंट नोट्स डॉम के अंदर हम हमेशा इन एलिमेंट नोट्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं तो ये जो हमारा डिव है इमेज है इमेज है एच वन है जितनी भी नोट्स हम एक्सेस करेंगे जिनको डॉम मनुपुलेशन में यूज़ कर रहे हैं जितनी भी नोट्स को हम डेवलपमेंट करते टाइम यूज करते हैं सारी की सारी एलिमेंट नोट्स भी होती हैं पर हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास टेक्स्ट एंड कॉमन नोट्स भी क्रिएट होती हैं और बाय डिफॉल्ट हमारी जो बॉडी टैग के अंदर फर्स्ट नोड जो आ रही है वो हमारी टेक्स्ट नोड आ रही है पर जब भी हम डायग्राम बना के देखते हैं हमें टेक्स्ट नोड कॉमेंट नोड्स को इग्नोर करना होता है और हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं डॉम ट्री में अपनी एलिमेंट नोड्स को बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर बेसिक पॉइंट ये था कि हमारे नोड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड भी होता है लास्ट चाइल्ड भी होता है हम चाहे तो चिल्ड्रेन को भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे डिव के कौन कौन चिल्ड्रेन हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने किया डॉक्यूमेंट या इसे यहीं कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लेक्टर क्वेरी सिलेक्टर और यहां मैंने किया डिव तो मेरे पास डिव आ गया अब मैं करू क्वेरी डॉट चिल्ड्रन जैसे ही चिल्ड्रन किया मेरे पास क्या आ गया कलेक्शन आ गया अभी इस कलेक्शन की लेंथ जीरो है पर डिव के अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन कर दूं यहां ये यह जो डिव है इसके अंदर लेथ सपोज मैंने एक और डिव डिफाइन कर दिया और इस डिव के बाद ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया इसके अंदर इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर दिया एक पैराग्राफ बना लेते हैं सिंपल सा ए बी सी डी सेफ रिफ्रेश तो इस बार नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट कि मेरा जो डिव मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिव के चिल्ड्रन को मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो क्या प्रिंट होके आ रहा है मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है डिव एंड अ पैराग्राफ तो इस डिव को मैंने एक्सेस किया इस वाले डिव को और इस डिव के अंदर एक और डिव है और एक पैराग्राफ है तो दोनों उसके चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड हो गया लास्ट चाइल्ड हो गया चिल्ड्रन हो गया इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं फॉर नेविगेशन नेविगेशन का बेसिक मतलब होता है जब हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में दूसरे से तीसरे लेवल में जाना है बेसिकली हमें यह जानना है कि एक एलिमेंट के बाद कौन से कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम यह होगा कि हमें एमडीएन के ऊपर जाना है फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड चिल्ड्रन ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ो क्या होती है लास्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ो क्या होती है और चिल्ड्रन के बारे में पढ़ो क्या होती है तीनों आपको पढ़नी है साथ के साथ मैंने जो आपको तीन टाइप के नोट बताए टेक्स्ट नोड हो गया कॉमेंट नोड हो गया एंड एलिमेंट नोड हो गया तीनों के बारे में में आपको नोट्स के अंदर लिख लेना है और इनके बारे में भी जाके पढ़ना है दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम टू रीड डॉक्यूमेंटेशन खुद थोड़ा सा घर पे बैठ के प्रोग्रामर वाली फील लेनी है और खुद से चीजें सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है जब तक हम एज अ प्रोग्रामर खुद से सीखने का माइंड नहीं बनाएंगे कोई हमें सारी की सारी चीजें स्पून फीड करके नहीं दे सकता वेब डेवलपमेंट सिर्फ लेक्चर से नहीं सीखी जाती वेब डेवलपमेंट खुद के अंदर हमारे पास एक जील होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नया टॉपिक जाके सीखना है क्योंकि अगर हम सोचेंगे लेक्चर्स के अंदर ही कोई मुझे कवर करके दे दे तो चाहे मैं या कोई और भी आपको 100 डेढ़ सौ वीडियोज भी दे दे तब भी वो किसी को कोई पूरा वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा सकते वेब डेवलपमेंट ऐसी स्किल है जो खुद की इच्छा के ऊपर आप सीख सकते हो और ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन के अंदर आ जाएगा सिर्फ लेक्चर देख के अंदर आ जाएगा बहुत सारी चीजें ऐसी

जैसे अगर मैं डिव का इनर टेक्स्ट देखूं तो डिव का तो इनर टेक्स्ट आएगा ही साथ के साथ इसके सारे के सारे चिल्ड्रन का भी इनर टेक्स्ट मेरे पास आएगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपने एच टी एम एल कोड के अंदर वट डू इज ये सारा का सारा मैं यहाँ से हटा लेती हूँ कोड बॉडी टैग को खाली करते हैं पेज को खाली करते हैं स्टाइलिंग को थोड़ा सा या स्टाइलिंग को अभी के लिए छोड़ देते हैं वट आई डू इज बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव बनाया डिव के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स लिखते हैं फॉर ए अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले जस्ट बिफोर आई कैन क्रिएट एच थ्री हेडिंग इसको हम कह देते हैं फ्रूट्स मैं फ्रूट्स के नाम लिख रही हूँ मैंने मैंगो लिख दिया लिस्ट के अंदर सेकेंड आइटम मैंने ऑरेंज लिख दिया थर्ड आइटम में मैंने लीची लिख दिया इसको सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया ये मेरे फ्रूट्स के नाम आ गए क्या क्या नाम है फ्रूट्स में मैंगो ऑरेंज लीची ये तीनों नाम्स मेरे पास आ गए अब यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जे एस में वट आई डू सबसे पहले तो अपने डिव को एक्सेस करते हैं मेरा डिव क्या हो जाएगा डिव हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहां या यह इसे छोटा ही कर लेते हैं यहां इसे एक्सेस करते हैं अपने डिव को सेव कर लिया एंड इसे यहां पे डी आई आर भी करा देते हैं कंसोल डॉट डी आई आर माई डिव रिफ्रेश दिस इज माई डिव अब अगर यहां मैंने किया डिव डॉट इनर टेक्स्ट तो क्या आएगा डिव डॉट इनर टेक्सट के अंदर फ्रूट्स मैंगो ऑरेंज लीची सारी की सारी चीजें आ रही है और देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड स्लैश एन बैक स्लैश एन का मतलब हमने सीखा ही था जब हम शुरुआत में बेसिक्स ऑफ बेसिक्सिप्ट कर रहे थे बैक स्लैश इन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन तो फ्रूट्स प्रिंट होना है फिर नेक्स्ट लाइन आएगी मैंगो प्रिंट होना है फिर नेक्स्ट लाइन आएगी ऑरेंज प्रिंट होना है फिर नेक्स्ट लाइन आएगी मतलब डिव तो था ही हमारा डॉम ट्री कैसा दिखाई देगा यहां पर डॉम के अंदर सबसे ऊपर हमारे पास नोड बनेगा हमारे डिव का उसके बाद एक नोड आएगा हमारे H4 का आई बिलीव इट इज हमारे पास आएगा हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट का। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक एल आएगा दूसरा एल आएगा तीसरा एल आएगा तीनों लिस्ट आइटम्स तो डिव का जब हमने इनर टेक्स्ट प्रिंट कराया इन सब का इनर टेक्स्ट उसके साथ में प्रिंट होके आया तो ये टेक्स्ट कंटेंट रिटर्न करता है ऐसे ही हमारे पास इनर एच होता है तो हमारे टैग के अंदर प्लेन टेक्स्ट या एच टी को प्रिंट कर देता है जैसे अगर मैं प्रिंट करूं डिव डॉट इनर एच टी एम एल तो यहां आ तो एक स्ट्रिंग ही रही है दोनों केसेस में स्ट्रिंग ही प्रिंट हुई पर इस बार ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या है इसके अंदर सारे के सारे टैग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एच थ्री टैग है वो दिखाई दे रहा है एल आई टैग है वो दिखाई दे रहा है ये वाला टैग दिखाई दे रहा है तो टैग रिलेटेड एच टी एम एल रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आती है इस स्ट्रिंग के अंदर तो इनर टेक्स्ट इनर एस टी एमएल में डिफरेंसेज कई बार इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं इनर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट आता है प्योर टेक्स्टुअल कॉन्टेंट इनर एस टी एमएल में एच टी एमएल कॉन्टेंट भी आता है फाइनल तो टेक्स्ट ही आएगा पर उसके अंदर एच टी एमएल टैग्स होंगे अगर मैंने यहाँ पे एच थ्री हेडिंग है इसको मैंने इटैलिक बना दिया होता इस तरीके से इटैलिक टैग है इसको मैंने लिख दिया रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर मेरे पास आ गया और फिर मैंने लिखा होता डिव डॉट इनर एच डी एम एल तो यहाँ ये इटैलिक टैग भी मुझे दिखाई दे रहा है जबकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डिव डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास नहीं होती इसमें सिर्फ टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम यूज कर सकते हैं दैट इज टेक्स्ट कॉन्टेंट अब ये तो हो गया हमारे पास कि मैंने इनर एच से वैल्यू देख ली इनर टेक्स से वैल्यू देख ली हमने गेट कर लिया वैल्यू को हम इस वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं सेट करने का क्या मतलब होगा लेट सपोज मैंने डिव डॉट इनर टेक्स्ट को सेट कर दिया मैं यहाँ टेक्स्ट लिख दूँ ए बी सी डी एंटर कर दिया क्या हुआ पूरा को पूरा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया इनफैक्ट अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर जाऊँ अब मेरे बॉडी टैग के अंदर डिव के अंदर मुझे क्या दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा कोई पैराग्राफ नहीं है कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है मतलब ये जो कोड मैंने लिखा था ये वाला पूरा का को पूरा कोड ये गायब हो गया और मेरे टेक्स्ट के अंदर क्या आ गया सिर्फ ए बी सी डी लिख कर आ गया तो मैंने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जैसे ही सेट कर दिया वो डिव के अंदर के सारे टेक्स्ट को चेंज कर देती है या रिफ्रेश कर लेते हैं जैसे ही मैं डिव डॉट इनर एस टी एम एल करू लेट सपोज डिव डॉट इनर एस टी एम एल के अंदर मुझे सिर्फ चाहिए एक दूसरा डिव तो मैं एक डिव टैग बना सकती हूँ आई कैन क्रिएट अ न्यू डिव टैग और इसको कह सकते हैं इनर डिव सेव कर लिया सॉरी इसे सेव नहीं करना इसको सिंपली मुझे एंटर करना है जैसे ही एंटर किया प्रिंट हो के आ रहा है इनर डिव और चेंजेस क्या हुए एलिमेंट्स के अंदर जाकर आप देखेंगे डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट हो गया और इस डिव के अंदर क्या वैल्यू है इनर डिव तो हम चाहे तो यहाँ डायनेमिकली रन टाइम पे अपने सारी की सारी एच को चेंज कर सकते हैं अपने सारे के सारे कॉन्टेंट को चेंज कर सकते हैं

की जगह इसको कर देते हैं न्यू हेडिंग एंटर किया ये चेंज हो गया टू न्यू हेडिंग मैं चाहूं तो इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकती हूं इसको बोल्ड बना सकते हैं इटैलिक बना सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू और इसे इटैलिक बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं इटैलिक वाले टैग्स लिख दूंगी तो इनर एच टी एमएल का फायदा ये होता है हम टैग्स लिख सकते हैं एंटर किया ये क्या हो गया अब इटैलिक में प्रिंट होकर आ रहा है तो ये फायदा होता है हमारे पास इनर टेक्स्ट एंड इनर एच डी एम एल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज टेक्स्ट 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 टेक्स्टुअल इवन फ्रॉम हिडन एलिमेंट्स यानी ये इनर की तरह ही वर्क करता है पर ये हिडन एलिमेंट्स के लिए भी काम करता है एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ हमारी ये जो एच वन हेडिंग है इसी एच वन हेडिंग के अंदर हम इसका कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल एड कर सकते हैं हम इसे दे सकते हैं लेट सपोज वी गिव इट अ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नन या विजिबिलिटी नन नहीं हिडन दे देते हैं विजिबिलिटी हिडन से क्या हो जाता है ये एलिमेंट हाइड हो जाता है स्क्रीन से सेव किया रिफ्रेश किया ये एक तरीका होता है वैसे स्टाइलिंग ऐड करने का अपने पेज के अंदर तीन तरीके होते हैं एक तो आप स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हो दूसरा स्टाइल डॉट सी इंक्लूड कर सकते हो तीसरा तरीका होता है ये वाला तरीका इनलाइन स्टाइलिंग इसे हम कहते हैं पर ये तरीका हमें कभी यूज नहीं करना दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग इसको हम कभी नहीं इस तरीके से यूज करेंगे मैं बस आपको डेमो दे रही हूँ सिखा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया पर बेसिकली मैंने अपने एलिमेंट को हाइड कर दिया स्क्रीन से H1 अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो अगर इफ आई डू समथिंग लाइक दिस जो हेडिंग है इस एलिमेंट को मैं प्रिंट करवाऊं मेरे पास मेरा हेडिंग एलिमेंट तो प्रिंट होकर आ जाएगा वो हाईलाइट भी हो रहा है स्क्रीन में बस वो दिखाई नहीं दे रहा पर जैसे ही मैंने किया हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट एंटर किया क्या आया मेरे पास एम चीज आई तो हेडिंग एलिमेंट इवन दो इसके अंदर ओल्ड हेडिंग वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है पर वो इनर टेक्स्ट से मुझे दिखाई नहीं देगा तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट कॉन्टेंट तो टेक्स्ट कॉन्टेंट का काम होता है एलिमेंट्स का भी ये टेक्स्ट हमें दिखा देता है तो इस तरीके से हमारे पास अपनी चार मेन प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम यूज करते हैं टू एक्सेस आर एलिमेंट्स एंड टू चेंज देयर वैल्यूज इसके अलावा भी और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पर वही सारी सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते डॉम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको हम कवर कर रहे हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर प्रॉपर्टीज एंड इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ कुछ प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कुछ कुछ सॉल्व करेंगे और जितनी भी नॉलेज अभी तक हमने ली है बेसिक्स की की अपने dom की, उसको हम यहां पर यूज कर रहे होंगे सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट हेडिंग एलिमेंट विद टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट तो पार्ट्स में करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में पहले सिर्फ इतना काम अपने लिए करते हैं ऑल्सो यहाँ पर आप चाहें तो लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं खुद से अपने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है इंडेक्स एस के अंदर आ जाते हैं वी कैन डिलीट दी एंटायर थिंग सारा का सारा जो चीज़ है उसे डिलीट कर देते हैं इनफैक्ट अपनी स्टाइल डॉट सी से हम पूरी स्टाइलिंग भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट कर दिया खाली हो गया हमारा पेज रिफ्रेश किया दिस इज कम्पलीटली एम और स्क्रिप्ट डॉट जे को भी एम कर लेते हैं अब मुझे क्या करना है सबसे पहले काम दिया है कि मुझे बॉडी टैग के अंदर एक एस टू हेडिंग टैग बनाना है जिसके अंदर हमें लिखना है हेलो जावास्क्रिप्ट तो इस तरीके से हमने हेलो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यहां पर लिख दिया रिफ्रेश किया ये हमारे लिए हमारा एस टू आ गया फिर हमें क्या करना है अपेंड append, append है लास्ट में ऐड कर देना फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रिंग है जिसको मुझे अपेंड करना है टू दिस टेक्स्ट टेक्स्ट ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर अपेंड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट मतलब मेरी जो एच टू हेडिंग है फाइनली उसके अंदर होना चाहिए हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ प्रिंट होके आना चाहिए फाइनल जो एच टू हेडिंग होगी उसको कैसे करेंगे अब सबसे पहले तो जब भी मुझे चेंज करना है तो जिस भी एलिमेंट के अंदर चेंज करना है सबसे पहले तो उस एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे तो एक्सेस द एलिमेंट फर्स्ट उसके बाद हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे होंगे वो चेंज करने के लिए और फिर फाइनली अपना चेंज कर दो तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से एलिमेंट के अंदर चेंज करना है हमें H2 टू एलिमेंट के अंदर चेंज करना है तो इसको हमें एक्सेस भी करना पड़ेगा एक्सेस कैसे करेंगे एक्सेस करने के लिए तीन में से एक चीज़ पता होनी चाहिए या तो टैग पता होना चाहिए क्लास पता होनी चाहिए या आई डी पता होनी चाहिए हमें क्या पता है हमें टैग पता है क्योंकि आई डी और क्लास तो है नहीं तो इसको टैग के बेसिस पे एक्सेस कर लेते हैं लेट एच टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर हम लिख देंगे एच टू प्रिंट भी करा लेते हैं कंसोल डॉट डी आई आर हमारा एच टू सेव रिफ्रेश ये हमारे पास हमारा एच टू आ गया अब इस एच टू के अंदर हमें क्या चेंज करना है हमें इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है दो प्रॉपर्टीज की बात की है हमने टेक्स्ट को अगर हमें चेंज करना है तो हम अपनी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे तो यहां पर चेंज लाने के लिए वील यूज आर इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हम एच टू डॉट इनर टेक्स्ट जो है उसे प्रिंट करवा सकते हैं अभी एच टू के इनर टेक्स्ट में क्या है हेलो जावास्क्रिप्ट है हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना है हमें इस टेक्स्ट को क्या बनाना है हमें बनाना है एच टू डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू को अगर हम एबीसी चेंज करें तो रिफ्रेश होके क्या हो जाएगी ये एबीसी बन जाएगी पर मुझे इसे ए बी सी नहीं बनाना मुझे जो भी पुराने वाला टेक्स्ट था उसको तो रखना ही है मतलब ये वैल्यू तो रखनी है प्लस इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है यहां पे मुझे ऐड करना है फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स वैल्यू मुझे ऐड करनी है तो यहां क्या कर रही हूं यहां मैं जावास्क्रिप्ट के काफी बेसिक को अप्लाई कर रही हूं सबसे पहला बेसिक कि पुरानी जो वैल्यू थी उसके अंदर नई वैल्यू जोड़ने के लिए पहले तो पुरानी वैल्यू को लिखो उसके बाद नई वैल्यू को लिखो दूसरी चीज यहां मैं दो स्ट्रिंग्स को क्या कर रही हूं कॉन्टिनेट कर रही हूं कॉन्टिनेट करने का क्या मतलब होता है कॉन्टिनेट करने का मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना तो यहां में प्लस को यूज करके कॉन्टिनेट कर रही हूँ दो स्ट्रिंग्स को सेव कर लेंगे रिफ्रेश करेंगे क्या हुआ हमारा ये जो पूरी की पूरी हेडिंग थी ये चेंज होकर आ गई कैसे चेंज हुई पहले मैंने को एक्सेस किया उसके बाद मुझे पता चला मुझे इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है अब फिर क्या चेंज लेके आना है उसकी मैंने वैल्यू लिख दी तो इस तरीके से हम अपने एच टी एम एल एलिमेंट को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ क्रिएट थ्री डिव्स विद कॉमन क्लास नेम तीन हमें डिव एलिमेंट्स बनाने हैं तीनों को सेम कॉमन क्लास नेम देना है क्या होना चाहिए क्लास का नाम बॉक्स होना चाहिए तो पहले तो इतना काम कर लेते हैं इंडेक्स.html के अंदर इस h2 के बाद लेट्स क्रिएट थ्री divs ये हमारा फर्स्ट div हो गया इसको फर्स्ट div कह देते हैं div को समझने में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप जाके हमारी एच वाली जो क्लास है उसको अटेंड कर सकते हो बड़ा लेक्चर नहीं है एक ही घंटे का लेक्चर है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया सेकेंड डिव पे आ जाते हैं दिस इज माई थर्ड डिव तीनों डिव्स को मैंने सेम क्लास दे दिया सेव कर लिया ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया रिफ्रेश करेंगे सो दिस इज माई फर्स्ट डिव दिस इज माई सेकंड डिव दिस इज माई थर्ड डिव ऑल्सो लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग हमारे जो डिव हैं इन्हें हम बॉक्सेस की तरह भी डिस्प्ले करा सकते हैं मतलब इनको हम कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं डॉट बॉक्स और इनको मैं एक हाइट दे सकती हूँ हंड्रेड पिक्सल्स विथ दे सकती हूँ हंड्रेड पिक्सल्स सेव किया रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया इनका सबको मैं एक बॉर्डर दे सकती हूँ वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक कैसे दे रही हूँ वो आपको सी एस एस की वीडियो में जाके देखना पड़ेगा बाकी ये मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ ये अगर अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा तो भी कोई इशू की बात नहीं है दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इनको पाँच पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं तो मार्जिन दे दिया साथ के साथ इनका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर रिफ्रेश किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया इन सब को एक बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं प्यारा सा लाइट सा कोई बैकग्राउंड कलर रखते हैं लेट्स गिव देम एक्वा मरीन रिफ्रेश किया एक्वा मरीन आ गया तो इस तरीके से अपने डेफ्स को बॉक्सेस की तरह दिखाना इज वेरी कॉमन इन एच टी एम एल एन सी एस एस तो मैंने क्या किया ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया ये मेरा सेकेंड डिव हो गया मेरा थर्ड डिव हो गया अब इनके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें आइडिया लगता रहेगा किसके अंदर चेंज कर रहे हैं अब मुझे कोड के अंदर क्या करना है मुझे बेसिकली करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक्सेस दैम तीनों को एक्सेस करना है एड सम यूनिक टेक्स्ट टू ईच ऑफ दे सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक टेक्स्ट ऐड करना है कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं इतने पार्ट को कर लेते हैं कॉमेंट आउट सबसे पहले तो एक्सेस करते हैं इनको लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर सकते हैं और यहां लिख सकते हैं अपनी क्लास का नाम डॉट बॉक्स सेव किया लॉक करवा लेते हैं अपने डिव्स को सेव रिफ्रेश तो मेरे सारे डिव्स आ गए कैसे आ गए नोट लिस्ट के अंदर आ गए अब मुझे इंडिविजुअल डिव को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए आई कैन प्रिंट डिव ऑफ जीरो सेव रिफ्रेश तो ये मेरा फर्स्ट डिव मेरे पास आ गया ऐसे ही डिव्स ऑफ वन प्रिंट किया तो ये सेकंड डिव आ गया डिव्स ऑफ टू प्रिंट किया थर्ड डिव आ गया कैसे वर्क कर रहे हैं नोड लिस्ट, नोड लिस्ट भी एरे की तरह ही वर्क कर रही है मतलब मैं इस तरीके से इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकती हूँ अपनी वैल्यूज को तो इसीलिए वो जो एरे वाले कॉन्सेप्ट थे जिनको हम पहले पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट थे शुरुआत में जब बेसिक जावस पढ़ते हैं हमें चीजें बहुत बेसिक लग रही होती हैं हमें लगता है कि क्या प्रैक्टिकल यूज है एरे पढ़ लिया ठीक है थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकल यूज कहां है यूज है 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 प्रैक्टिकल यूज जब हम के के साथ चीज़ों को जोड़ के देखते हैं हमें पता चल रहा ठीक है, है, वो जो छोटी सी इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो किस तरीके से डॉम के अंदर अप्लाई हो रहा है जाके वेंचुअली तो ये तो मैंने इंडिविजुअल डिव्स को एक्सेस कर लिया इंडिविजुअल डिव्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं डिव्स ऑफ जीरो डॉट बेसिकली इनर टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं इनर टेक्स्ट इसको हम कह सकते हैं न्यू यूनिक वैल्यू वन इसको न्यू यूनिक वैल्यू वन कह देते हैं रिफ्रेश किया तो आ गई न्यू यूनिक वैल्यू वन इसी तरीके से हम इस सेकेंड वाले की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं न्यू यूनिक वैल्यू टू एंड इसी तरीके से हम थर्ड वाले की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं न्यू यूनिक वैल्यू थ्री डिव ऑफ टू कर लेते हैं सेफ रिफ्रेश तीनों की वैल्यूज हमारे पास चेंज होकर आ गई अब ये तो थी बहुत आम जिंदगी ये थी बिगनर वाली जिंदगी कि मैंने इस तरीके से अपने कोड को लिख दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम जो करना चाहता था प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कराना चाहता था वो काम हमसे हो गया पर इसके भी एक और लेवल अप जाके आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ये याद आएगा जब भी हमें एरे के इंडेक्स को एक्सेस करना होता है और हमें पूरे एरे को ट्रिवर्स करना होता था हम क्या करते थे हम लूप्स का यूज करते थे तो यहां पर भी हम लूप्स को यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे हम चाहें तो अपना फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं लेट डिव ऑफ डिवस डिव ऑफ डिवस है और अभी के लिए क्या करेंगे सिर्फ अपने इंडिविजुअल डिव को प्रिंट करवाएंगे सेव किया रिफ्रेश किया तो ये मेरा पहला डिव मेरे लिए प्रिंट होके आ गया ये मेरा दूसरा डिव आ गया थर्ड डिव आ गया तीनों डिव्स की क्लास भी आ गई तीनों डिव को बॉक्स क्लास दे रखी है अब इंडिविजुअल डिव की हम चाहें तो इनर टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया पहले डिव का था फर्स्ट डिव सेकंड डिव थर्ड डिव आप बोलोगे दीदी ये तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ तो कुछ और ही है इनर टेक्स्ट में इसीलिए क्योंकि ओरिजिनल तो यही था ना फर्स्ट डिव सेकेंड डिव थर्ड डिव ये तो हमने बाद में चेंज किया स्क्रिप्ट डॉट जे में प्रिंट करने के बाद चेंज किया है और यहाँ पर इसी वैल्यू को मुझे चेंज करना है तो आई कैन राइट डिव डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू और यहाँ अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हैं न्यू यूनिक वैल्यू और यहां अपना इंडेक्स लिख सकते हैं अब इंडेक्स कैसे लिखें इंडेक्स के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं और यहां पर अपने बैक टेक्स लिख लेंगे इंडेक्स और यहां हर बार इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस तो ये जो काम मुझे करके दे रहा था ये कोड अब ये वाला कोड मुझे सेम काम करके देगा रिफ्रेश किया इसने क्या किया सेम काम करके दे दिया कैसे करके दिया क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया अब अभी तो मुझे तीन लाइनें लिखनी पड़ रही थी तीन डिव्स के लिए कल को हो सकता है मेरे पास सौ डिव्स हो तो मुझे क्या करना पड़ता है सौ लाइनें लिखनी पड़ती पर अब मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा अब अगर यहाँ पर इफ आई डिसाइड कि नहीं मुझे तो सात डिव्स चाहिए अपने कोड के अंदर रिफ्रेश किया मेरे पास सेवन डिव्स आ गए तो सातों डिव्स को मैंने क्या किया है यूनिक वैल्यू दे दी है वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री वैल्यू फोर वैल्यू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सॉरी नाइन डिव्स है मेरे पास तो नाइन के नाइन को मैंने यूनिक वैल्यू सेट कर दिया यूजिंग जावास्क्रिप्ट लूप तो कोड के अंदर मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा इसीलिए जब भी हम चाइल्ड नोट्स के ऊपर सारी नोट्स के लिए कुछ काम करना है वी विल ऑलवेज प्रीफर डूइंग इट इन अ लूप तो इस तरीके से फॉर ऑफ लूप को हम यूज कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बस उन्हीं का हम रिविजन कर रहे हैं ये क्या है मेरे पास ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं यूज कर रही हूं यहाँ पे मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू है लूप हमें ऑलरेडी लिखना आता है तो इस तरीके से अपने डॉम के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं अब अभी भी डॉम के अंदर और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बाकी हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे बट उससे पहले जो अपना होमवर्क प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आना है एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे और डॉम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर के के अंदर अंदर तो आई होप कि इस के अंदर से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं है जो हमें सीखने को मिली होगी आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा वट वॉज योर बेस्ट लर्निंग फ्रॉम द लेक्चर उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग